मॉर्निंग यू टू ऑल, आज फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं बॉक्स मैथ्स फ्यूजन ग्रुप में। आज हमारे सामने जो मुद्दा है वो करंट मुद्दा पे बात बहस कर रहे हैं हम, जो हर घर में है और घर के हर एक मेंबर के पास में है। हम बात करेंगे आज स्कूल्स पे, हम बात करेंगे आज एजुकेशन पे। देखिए, हर एक घर में आज पेरेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, उनके बच्चों की बढ़िया शिक्षा। बात करेंगे हम कि वो शिक्षा हम दिलवाएं, ये एजुकेशन हम दिलवाएं तो किस स्कूल में दिलवाएं। ये इस एजुकेशन और इस स्कूल्स के लिए हमारे पास में दो सोर्सेज हैं, फर्स्ट प्राइवेट स्कूल्स और सेकंड पब्लिक स्कूल्स। देखिए, हम डिफरेंस करेंगे आज इन दोनों के बीच में कि आखिर हम अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाएं। देखिए, बात हम शुरू करेंगे प्राइवेट स्कूल्स से। गार्जियंस ये चाहते हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और प्राइवेट स्कूल्स भी ये चाहते हैं कि बच्चों को हम बढ़िया शिक्षा दें, लेकिन उसके बदले में हम ले क्या रहे हैं। देखिए, अगर हम रिटर्न जितना हम दे रहे हैं उतना हम वापस रिटर्न ले रहे हैं तो हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि आखिर डिफरेंस कहाँ पर आता है। बात शुरू करेंगे प्राइवेट स्कूल से कि प्राइवेट स्कूल्स जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उसका ग्राफ कहाँ है। बात करेंगे हम पब्लिक स्कूल्स की कि जो हमें वो शिक्षा दे रहे हैं उसका ग्राफ कहाँ पे है। यहाँ देखिए, ये ग्राफ शुरू होकर कहाँ जा रहा है। यहाँ देखिए, प्राइवेट स्कूल से पब्लिक स्कूल्स में ग्राफ कहीं भी नहीं है। टोटल एजुकेशन फ्री है जो स्टेट फंड्स स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स के इनकम के सोर्सेज क्या हैं। देखिए, सोर्सेज शुरू होता है डोनर से। हम बढ़िया स्कूल्स में अपने बच्चों को तभी भेज सकते हैं जब हम एक बड़ी मोटी रकम देवें जो डोनेशन कहलाएगी। हम डोनर हैं, हम डोनेशन देंगे, हम बच्चों को ट्यूशन फीस देंगे पूरे साल, बच्चों के ड्रेसेस का खर्चा हम एक्सेप्ट करेंगे, एनुअल फीस देंगे हम बच्चों की एग्जाम फीस देंगे, हम बच्चों की बुक्स को अफोर्ड करेंगे, हम पूरे साल स्कूल्स में होने वाले फंक्शंस पे जो एक्सपेंसेस हैं वो हम एक्सेप्ट करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस पे जो खर्चा होता है वो बच्चा देगा। ऐसे हजारों खर्चे प्राइवेट स्कूल्स पूरे साल कलेक्ट करती रहती है। हम देखेंगे अदर साइड में कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके लिए हमारे पूरे साल का खर्चा क्या है। देखिए, ये स्कूल्स स्टेट फंडेड होती हैं इसलिए इनमें टोटल एजुकेशन फ्री है। हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे कि आखिर दूसरा, इन दोनों में दूसरी तुलना हम कहाँ करेंगे। हमने अमाउंट देख लिया फिगर में, अब हम देखेंगे डिग्रीज में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं। देखिए, मैं यहाँ पर विरुद्ध नहीं हूँ प्राइवेट स्कूल्स के, इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि जो डिग्री का ऑप्शन है वो बेहतर कहाँ है, वो बेहतर है प्राइवेट स्कूल्स में। ऑब्वियसली वही होगा क्योंकि वो हमसे इतनी बड़ी रकम जो ले रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पर डिग्री का ऑप्शंस नीचे जा रहा है। इसका मतलब डिग्री के ऑप्शंस नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ गेट पास मिलेगा, यहाँ सिर्फ मार्कशीट मिलेगी, यहाँ सिर्फ डिग्री मिलेगी, लेकिन डिग्री के बेहतर ऑप्शंस प्राइवेट स्कूल्स में हैं। देखिए, हम फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मोर एक्टिविटीज़ में। मोर एक्टिविटीज़ कहाँ मिलेंगी हमें, प्राइवेट स्कूल्स में मिलेंगी, जबकि लेस एक्टिविटीज़ होती हैं पब्लिक स्कूल्स में। हम देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स इन सब के बाद क्या करती है। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स का एक ही मोटो है, एक ही रूल है कि उनका ट्यूशंस बाय ओन टीचर्स, ये मस्ट होगा कि अगर हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन भी आप हमारे ही टीचर से करेंगे। क्या ये बात लाजमी है, क्या ये बात सही है। हम सेकेंड हैंड पे देखेंगे कि पब्लिक स्कूल्स में भी क्या ऐसा ही रूल है। पब्लिक स्कूल में नो ट्यूशंस, नो कोचिंग, कोई ऐसा रूल नहीं है। और फिर हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, क्लास के साइज की। देखिए, जैसा हमने कुछ देर पहले बात की थी कि अगर प्राइवेट स्कूल्स ये फंड ले रही हैं तो ऑब्वियसली वो क्लास की साइज भी छोटी करेंगे। एक बच्चा अगर 1,00,000 रुपए की फीस दे रहा है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट
पब्लिक स्कूल की डिस्ट्रिक्ट की पूरी पब्लिक स्कूल 1,00,000 रुपए नहीं कलेक्ट कर सकती हैं। तो अगर ये इतने पैसे ले रही हैं तो ऑब्वियसली क्लास की साइज भी छोटी करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर रूल्स लागू नहीं होता पब्लिक स्कूल्स में, इसलिए पब्लिक स्कूल्स में क्लास की साइज को बढ़ा देते हैं। फिर हम फैसिलिटीज पे देखते हैं कि अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जो गार्जियन है, जो अटेंडेंट है, वो जाके देखेंगे कि स्कूल में हमारे बच्चों को फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं। बच्चों के लिए एसी लग रखी है, बच्चों के लिए गार्डन है, जिमनेजियम है, कर्टेन्स लग रखे हैं, क्या बच्चों का क्या हर एक क्लासेस में पोटेशन पार्टेशन किया हुआ है। लेकिन आप बताइए, क्या अब हम सोचेंगे कि क्या हम बच्चों को इन फैसिलिटीज के लिए इतना पैसा दे के स्कूल में भेज रहे हैं? नहीं, अब हम देखेंगे फैसिलिटीज पब्लिक स्कूल्स में, फैसिलिटीज भले ही कम हो लेकिन यहाँ का स्टाफ और यहाँ का एजुकेशन लेवल इनसे बहुत हाई होता है। और आखिरी बात करेंगे हम एनुअल इंक्रीमेंट की। हम बच्चे को हम बात करेंगे फिफ्थ क्लास से, सपोज करते हैं कि हमने फिफ्थ क्लास में बच्चे को क्लास में डाला, फीस दी हमने 35,000 फीस है ये। इसके बाद में डोनेशन भी देना पड़ेगा आपको, आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, ड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हमने 35,000 एनुअल फीस दी, जो सबसे छोटे लेवल की स्कूल्स की दी हमने फिफ्थ क्लास के लिए, देखिए हम आगे बढ़ेंगे सिक्स क्लास में 40,000, सेवन्थ क्लास में 50,000, एट्थ क्लास में 70,000 जो रेड मार्क कर रहा है यहाँ पे, फिर नाइन्थ क्लास में 80,000 और फिर रेड मार्क कर रहा है टेंथ क्लास में 1,00,000 प्लस। अब हम ये देखेंगे कि देखिए क्या हमारे बच्चों ने दो सीट ले ली है इस क्लास में। देखिए सीटें वही हैं, क्लासरूम्स वही हैं, एसी वही है, कर्टेन्स वही हैं और फैंस वही हैं, टीचर भी वही पढ़ा रहे हैं, तो आखिर ये फीस इतनी बढ़ क्यों नहीं है? क्या हम ऑब्जेक्शन करें, क्या ये फैक्ट है या नहीं है, ये फेयर है कि नहीं है कि अगर आपकी स्कूल वही है, ज्योग्राफिकल एरिया आपका वही है, सारी फैसिलिटीज वही हैं, क्लास की साइज वही है और सारे के सारे रूल रेगुलेशन वही हैं, तो ये फीस हर साल बढ़ क्यों रही है? सेकंड हैंड पे हम देखेंगे रेंट पे पब्लिक स्कूल्स में, यहाँ फ्री एजुकेशन है जो हम पहले बात कर रहे हैं, कोई ईयरली इंक्रीमेंट नहीं होता फीस में। यहाँ पे हम सेकंड बात करेंगे ड्रेसेस का खर्चा, क्या पब्लिक स्कूल्स भी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं क्या वो भी ड्रेसेस का खर्चा ले रही हैं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सारी ड्रेसेस फ्री हैं, सारी बुक्स फ्री हैं, इवन मिड डे मील भी गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री है। हम ये ग्राफ देखते हैं प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में, अब हम खुद देख सकते हैं कि आखिर व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं, हम जा किस दिशा में रहे हैं। हम देखेंगे पहली बार कि आज हमें स्कूल चाहिए प्राइवेट और जॉब चाहिए हमें गवर्नमेंट। अगर हम जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें स्कूल भी गवर्नमेंट की ही लेनी चाहिए, कोई इशू नहीं। हम सेकंड थिंग पे आते हैं, आज हमें इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए प्राइवेट और हमें मेडिसिन चाहिए गवर्नमेंट की क्योंकि वो फ्री मिलती हैं। ये भेदभाव क्यों पब्लिक सेक्टर के साथ में? आज हम देखते हैं बिजनेस हमारा पर्सनल हो, लेकिन सेकंड थिंग पे गवर्नमेंट से हम क्या मांग रहे हैं कि हमारी बेटी का दामाद गवर्नमेंट का हो। आखिर बेटी का दामाद गवर्नमेंट का मांग रहे हैं तो हम बिजनेस प्राइवेट क्यों मांग रहे हैं? इसका मतलब हर एक लेवल पे हम भी गलत हैं, ना हम सोच रहे हैं और ना हमें पता है कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए इसका रीजन क्या है, आपको भी पता है, लाइटली मैं बता देता हूं कि इसका एक ही रीजन है, करंट के पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स, जिन पॉलिटिशियंस को जिन ऑफिसर्स को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस फील्ड को एनहांस करने का बढ़ाने का जिम्मा सौंपा है, उन खुद के बच्चे भी आज किधर भाग रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक स्कूल्स को क्विट कर करके वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में बात भेज रहे हैं। एक कहावत है कि चूहे का जना हुआ बिल ही खोदेगा, आज हम वही बिल खोद रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं चूहों के जने हुए हैं। अगर हमारे ऑफिसर्स हमारे पॉलिटिशियंस ये काम करेंगे जो हमारे लिए होली पर्संस हैं, जो हमारे लिए आदर्श हैं कि हम उन्हें फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली हम उन्हें ही उन्हीं के पीछे चलेंगे। अगर उनके और वो अपने खुद अपने बच्चों को अगर वो प्राइवेट सेक्टर्स में भेज रहे हैं तो हम क्यों नहीं।
रीज़न साफ है, वो खुद अपने डिपार्टमेंट को सही रास्ता नहीं दे रहे। देखिए आज हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम करंट के सोशल लाइफ को, हम अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर को देखते हुए बच्चों को भेजें प्राइवेट फील्ड में, लेकिन एक बात ध्यान रखें प्राइवेट स्कूल्स कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारी नेसेसिटी को वो हमारी मजबूरी ना समझें, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो मजबूरी ना समझें। आज हम हेल्पलेस हैं, एटलीस्ट अगर वो मजबूरी समझ भी रहे हैं तो कम से कम हमारी इस मजबूरी का वो फ़ायदा ना उठाएं। सीधा और सटीक टारगेट मेरा ये है कि स्कूल्स की बढ़ती हुई इस फीस को हम वापस नीचे लेके आएं। देखिए हम स्कूल में ऑफिस तक पहुंच नहीं पाते और रिसेप्शन पे लगी हुई चार खिड़कियां और इन चारों विंडोज़ पे बैठे हुए चार बाबू हम एक बड़ी सी फहरिस्त दे देते हैं, लिस्ट की एक बड़ी सी लिस्ट दे देते हैं इसी फीस की, जो फीस हम देख के और हम सुन के यही सोचते हैं कि आखिर कब कैसे हम इतनी फीस जमा करा के इस स्कूल में अपने बच्चे को भेज के उसकी डिग्री का ऑप्शन को बढ़ाएंगे। कैसे हम ये सोचेंगे कि हम अपने माँ बाप से इतनी पैसा लेके इस स्कूल में पढ़ें, हम नहीं पढ़ सकते। नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है? आज समाज में जरूरत यह है कि एजुकेशन जो ये बिजनेस बन गया है ये ना बने, इस बिजनेस को खत्म करें। देखिए बिजनेस कौन कर रहा है, वो सफेद पोश शिक्षाविद जो बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस खोल के बैठे हैं, अपने आप को समाज सेवक कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, एटलीस्ट वो पैसा कमा रहे हैं। जरूरत है इस व्यापार को बंद करने की, इन शिक्षाविदों को एक्सपोज करने की कि वो शिक्षा को बेचना बंद करें और पढ़ाई के बदले जो मोटी रकम कमा रहे हैं इसको बंद करें। इसी रूट में मैंने कल पेपर पढ़ा है, सौरभ सर ने दिखाया मुझे कि सेंट एंसलम इस रूट में बढ़ने वाला पहला स्कूल है। देखिए सेंट एंसलम ने अपनी फीस कम की है, हम उम्मीद करते हैं कि हर एक स्कूल इसको फॉलो करेगा, इसके रूल रेगुलेशंस को और सारी फीस का स्ट्रक्चर को धीरे धीरे डाउन करेगा। हमारा पैसा हमारे पास बचेगा और हम अपने पैसे को सही जगह यूटिलाइज कर सकेंगे। देखिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि पढ़ने के साथ में ये व्यापार ना बने और हम अपने आप के साथ में चीटिंग फील ना करें। पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। जय भारत, जय जय भारत।